तो করে যাবে, রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ है मैम। मैम। अच्छा ওকে तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो फाउंडेशन में भी था और इंटर में भी है। ठीक है, तो इंटर में ये स्पेशल ट्रांजैक्शन में आता है। इंटर में इससे डायरेक्टली उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इंटर में इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को छोड़ के। तो इसका जो भी फंडामेंटल्स है, मतलब जो भी बेसिक है, वो समझना पड़ेगा ताकि तुम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन कर पाओ। पहला बात है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। देखो हम लोग जब भी कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, तो परचेज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होता है। ठीक है, या तो कैश या तो होता है क्रेडिट। अगर कैश में हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसके लिए कोई भी अलग से मतलब रिकॉर्डिंग का जरूरत नहीं होता है। मतलब किसका रिकॉर्डिंग? डेटर। डेटर तभी क्रिएट होता है बिजनेस में, डेटर तभी क्रिएट होता है अगर हम लोग क्रेडिट में पर मतलब सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल या परचेस जो भी हो, तो डेटर तभी क्रिएट होगा। डेटर क्रेडिटर का कंसेप्ट तभी आएगा अगर हम लोग उधार में कुछ सेल या परचेस करें। अगर हम लोग उधार में सेल करेंगे तो बिजनेस में डेटर जनरेट होगा, और उधार में कुछ परचेस करेंगे तो बिजनेस में क्रेडिटर जनरेट होगा। लेकिन कैश में अगर हम लोग परचेज या सेल करेंगे तो फिर उसमें कोई भी क्रेडिटर या डेटर नहीं होता है। परचेस करने से होता है परचेस टू कैश, और सेल करने से होता है कैश टू सेल्स, तो पार्टी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्रेडिट में परचेस करते हैं तो फिर ऐसा होता है एंट्री परचेस टू क्रेडिटर। और अगर मतलब अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो कोई हम लोग को सेल कर रहा है, तो वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? डेटर टू सेल्स। अब अगर हम लोग ये जो क्रेडिट परचेज या सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे हम लोग को पैसा मिलेगा, नॉर्मली यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है, अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे
हो सकता है हम लोग को ऐसा लगे कि जिसको हम लोगों ने सेल किया है वो हम लोग को पैसा दे दे, वो अगर सही आदमी है, और ऐसा भी हो सकता है वो पैसा ना दे। अगर उसके मन में कुछ गलत है या फिर वो नहीं चाहता है पैसा, मार लेना चाहता है, तो पैसा नहीं भी दे सकता है। तो अगर ये पैसा नहीं देगा तो ये बिजनेस का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए। अब इसमें लीगल एक्शन क्या है? अगर तुम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े हो लॉ में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। हम लोग चाहे तो जो हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है उसके लिए हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक एग्रीमेंट के तरह होता है, जहां ये लिखा होता है कि कितने तारीख को, मतलब डेट क्या है, कितना अमाउंट है, मतलब जो हम लोगों ने सेल किया है उधार में, और किसको किया है, ठीक है। यानी डेट ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ सेल, टू होम सेल, मतलब किसको सेल किया है हम लोगों ने, ठीक है। कितने दिन बाद हम लोग को पेमेंट मिलेगा, पेमेंट कितने दिन बाद मिलेगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या है? मतलब क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि एक दिन बाद मिलेगा, 2 दिन। अगर एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कोई हम लोगों से अगर क्रेडिट में सामान खरीदना चाहता है तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज करेंगे। इससे क्या होगा? हम लोग के पास एक प्रूफ रहेगा कि हम लोगों को पैसा मिलेगा, हम लोगों ने इसको इतने तारीख को इतने पैसे का सेल किया था, ठीक है। और एक स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाता है उसमें, एक मतलब स्टाम्प लगाया जाता है, इससे प्रूव हो जाता है। जैसे रेंट का एग्रीमेंट होता है उसी तरह से ये जो सेल का होगा इसका भी एक एग्रीमेंट बन जाएगा। इससे ये प्रूव रह जाएगा कि हम लोगों को इतने तारीख को इससे पैसा मिलने वाला है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन होते हैं देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी होगा, ठीक है। एक होगा ड्रॉयर, पहले एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं सेलर और इसे कर देते हैं परचेजर, और ये हो गया ड्रॉई। ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करेगा। अब पैसा किसको किससे मिलेगा ये देखो, जो सेलर है ये कौन है? ये है क्रेडिटर। और जो परचेसर है वो कौन है? वो है डेटर। जो खरीदेगा वो बन जाएगा डेटर, और जो बेचेगा वो कौन बन जाएगा? क्रेडिटर। तो ये सपोज ए है और ये बी है, ए ने बी को सामान सेल किया है, तो बी कौन है? परचेजर। ए कौन है? सेलर। और ए कौन बन गया? बी के लिए क्रेडिटर। और बी कौन बन गया? ए के लिए डेटर। अब पैसा किसको मिलना चाहिए? ए को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का जल्दी ए को ही रहेगा, इसका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, क्योंकि जिसको पैसा मिलेगा उसी का तो ज्यादा दिमाग दर्द होगा। क्योंकि बी को क्या है, बी अगर बोलेगा कि नहीं बिल ड्रॉ करोगे मत करो, अगर ये अच्छा आदमी होगा तो पैसा देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो ए क्या करेगा, ए का लाइबिलिटी क्या बन जाएगा कि हम फटाफट एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर लेते। सपोज इन लोगों ने जो, मतलब बी ने बोला है आफ्टर 3 मंथ्स पैसा देंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, और सपोज इसने 50,000 का परचेज किया है इससे, तो ए एक बिल बनाएगा, उसमें लिख देगा कि इस डेट में 50,000 का बी को हम लोगों ने सेल किया है और आफ्टर 3 मंथ्स पैसा मिलेगा, ऐसा बी ने कहा है। फिर बी से क्या करवाएगा? साइन करवाएगा, ठीक है। बी से साइन करवाएगा, बी को साइन करना पड़ेगा। अब साइन का मतलब हो गया है कि बी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। बी अगर साइन नहीं करेगा तो क्या प्रूफ है कि बी खरीदा है? तो बी को साइन करना पड़ेगा। बी साइन करने के बाद ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, ये जो ड्रॉयर है ये अपने पास रख लेगा, ठीक है। क्योंकि बी अगर लेके भाग जाएगा तो ए के पास प्रूफ क्या रहेगा? तो रखना किसके पास है? रख रहेगा ए के पास, ठीक है। बी साइन करेगा, साइन करने के बाद ए को रिटर्न कर देगा कि तुम अपने पास रख लो, हम 3 महीने बाद तुम्हें पैसा दे दें। अब इसे बोलते हैं ड्रॉयर और इसे बोलेंगे हम लोग ड्रॉई। और इसमें क्या हो सकता है, और एक पार्टी भी आ सकता है, ठीक है। अब सपोज ए, ये सी नाम लगा देते हैं, ए और सी में भी ट्रांजैक्शन हुआ, ए और सी में ट्रांजैक्शन हुआ है,
ए ने क्या किया है, ए ने परचेस किया है, ए ने परचेस किया है सी से, तो सी कौन बन गया, सी बन गया सेलर और ए बन गया परचेजर। सपोज सेम अमाउंट का 50,000 का ही परचेस किया, इसका मतलब ए को सी को 50,000 देना पड़ेगा और इस ट्रांजैक्शन में ए को बी से 50,000 मिलेगा। तो ए सोच सकता है कि हम बी से 50,000 ले लेंगे और सी को दे देंगे। अब इसके बदले, पैसा देने के बदले, ए चाहे तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बी के लिए उसने ड्रॉ किया था ये सी को दे सकता है। सी को देने का मतलब हो गया एंडोर्स, एंडोर्स, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होता है। एंडोर्स कर दिया किसको, सी को। अगर सी को एंडोर्स कर देगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। अब बी जो है, ड्रॉई जो है, ये क्या करेगा, पैसा ए के बदले सी को देगा, क्योंकि पैसा हमेशा उसी को मिलेगा, पेमेंट उसी को करना है जो होल्डर ऑफ द बिल है, होल्डर ऑफ द बिल। तो बिल का होल्डर अभी कौन है, बिल बी का, बिल का होल्डर जो है अभी सी है, क्योंकि ए ने सी को दे दिया है। तो सी बन गया है एंडोर्सर, एंडोर्सी, एंडोर्सी, और जिसने दिया है उससे हम लोग बोलेंगे एंडोर्सर। ये सारे टर्म्स याद रखना है। जो बिल ड्रॉ करता है ड्रॉयर, जो पे करेगा ड्रॉई, और जो बिल ड्रॉ किया हुआ बिल किसी को दे देगा वो एंडोर्सर है, और जो पहले से ड्रॉ किया हुआ बिल एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एंडोर्सी। यानी बी पे जब करेगा, बी कौन है, बी है पेयर, और एक लैंग्वेज में भी बोलेंगे बी है पेयर, और जिसे पैसा मिलेगा वो हो जाएगा पेई। अब पेई कौन बनेगा, जो होल्डर ऑफ द बिल होगा, होल्डर ऑफ द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बाद हम लोग को डेट देखना पड़ेगा कि 3 मंथ्स बाद डेट क्या आ रहा है। 3 मंथ्स बाद जो डेट आएगा उसी में क्या करना पड़ेगा, बी को सी को वो पैसा देना पड़ेगा। तो बी बन गया पेयर और सी बन गया पे ई, पे ई मतलब जिसको पैसा मिलेगा, ये मैंने लिखा है पे। अब अगर बीच में सी का बात नहीं आता तो जो ड्रॉयर है वो कौन बन जाता, पे, जिसे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पेयर जो होगा वो हमेशा ड्रॉई होता है, लेकिन पेई जो होता है वो ड्रॉयर भी हो सकता है, वो एंडोर्सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या टर्म पता चला, यहाँ पर हम लोग को ये पता चलेगा, सबसे पहला है क्रेडिट सेल होगा तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा। यहाँ पर हम लोग ने देखा ड्रॉयर, पेई, ड्रॉई, पेयर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, और जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसे ही पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा, इसके अलावा टर्म ऑफ द बिल क्या होता है, देखो टर्म ऑफ द बिल क्या होता है, बिल में ये लिखा हुआ रहता है टर्म ऑफ द बिल, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था 3 मंथ्स, मतलब जितने दिन बाद, जितने दिन के लिए उधार रख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल, कितने टर्म का बिल है। उसके बाद होता है ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ द बिल। जैसे मान लो एक बिल ड्रॉ हुआ है 2020, 24th मार्च 2020, और अगर टर्म ऑफ द बिल 3 मंथ्स है, अच्छा इसे 1 मंथ कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 24th अप्रैल 2020 हो जाएगा। ये है ड्यू डेट ऑफ द बिल। और मैच्योरिटी ऑफ द बिल क्या होगा, देखो मैच्योरिटी, अब बिल में क्या होता है, एक चीज होता है ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड मतलब जो ड्यू डेट आता है उसके बाद भी टाइम मिलता है, ठीक है। ग्रेस पीरियड बिल में हमेशा होगा 3 डेज, ये फिक्स्ड है, ग्रेस पीरियड होगा, ग्रेस मतलब छूट होता है, 3 डेज छूट। तो 24th को पे करना है आफ्टर 1 मंथ के हिसाब से, लेकिन हम लोगों को 3 डेज का छूट मिलेगा, यानी हम लोग 24 के बाद भी 3 डेज बाद पे कर सकते हैं, 24 के साथ और 3 डेज बाद पे कर सकते हैं, यानी हो जाएगा 27th ऑफ अप्रैल। तो ये जो मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल है, इसका मतलब ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड, इसको ऐड करने पे जो डेट आता है उसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ द बिल। और ड्यू डेट ऑफ द बिल मतलब जो टर्म को कंप्लीट करवाने पे जो डेट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट ऑफ द बिल। और टर्म ऑफ द बिल मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए बिल है उसे हम लोग बोलेंगे टर्म ऑफ द बिल। तो ये जो
कुछ टर्म्स है बिल्स में ही हम लोग को याद रखना है, जैसे ग्रेस पीरियड जो 3 डेज का होगा, टर्म ऑफ बिल क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या होता है, और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल क्या होता है। ओके, तो देखो और दो टर्म हम लोग को याद रखना है, एक होता है बिल आफ्टर साइट, इसका मतलब होता है इसको लिख लो डेट ऑफ, इसमें लिखो द टर्म ऑफ द बिल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ कमेंस एक्सेप्टेंस, जिस दिन एक्सेप्ट किया जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल, इसका क्या मतलब है क्लियरली बता देते हैं, और एक तो चीज लिखते हैं तो समझ जाओगे, बिल्स आफ्टर डेट। द टर्म ऑफ द बिल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो बिल्स आफ्टर साइट और बिल्स आफ्टर डेट, ठीक है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ले लेते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ले लेते हैं 28/9/1999, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेते हैं 1/10/99, 2 मंथ्स आफ्टर साइट, टर्म जो है टर्म लिख लेते हैं 2 मंथ आफ्टर साइट। और अगर हम लोग को बोले कि इसका मैच्योरिटी डेट निकाल के दिखाओ, तो हम लोग को क्या करना है, पहले देखो अगर बिल्स में लिखा हुआ है आफ्टर साइट, ठीक है, तो टर्म जो है 2 मंथ्स का है, और हम लोग को बोला है मैच्योरिटी डेट निकालो, तो टर्म ऑफ द बिल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब इन दोनों में फर्क क्या है, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस दिन ड्रॉई ने बिल लिया है। अगर एग्जाम्पल में सोचेंगे तो ए ने बिल ड्रॉ किया था 28/9 को, जबकि बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है 1/10 को, तो 2 मंथ्स बाद पैसा देना है, तो अगर हम लोगों को मैच्योरिटी डेट निकालना है 3 डेज ग्रेस ऐड करके, तो हम लोग को डेट कहाँ से लेना पड़ेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, और 2 मंथ्स तो किस तरह से करेंगे, 1/10 से 1/11 1 मंथ, 1/11 से 1/12, इस तरह से होता है बिल्स का काउंट। तो ये हो गया 1 मंथ और ये हो गया 1 मंथ, 2 मंथ हो गया, तो 2 मंथ कब हो रहा है, 1 दिसंबर को, तो अब इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/12/1999, 4/12/1999 आंसर होगा, अगर बिल्स जो है आफ्टर साइट है तो। ये एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो बिल्स आफ्टर साइट के साथ, ये एग्जाम्पल तुम लोग लिख लो कि आफ्टर साइट में हम लोग को कब से कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉलो करना पड़ेगा। याद कैसे रखोगे, देखो आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद, तो बिल ड्रॉ ए अपने घर पे बैठ के कर रहा है, बी को तो तभी दिखेगा ना जब वो एक्सेप्ट करने जाएगा, इसीलिए इसका नाम है बिल्स आफ्टर साइट, मतलब हम देखने के बाद ही मेरा टर्म काउंट करना स्टार्ट करेंगे, यही चीज होता है आफ्टर साइट। तो ये लिख लो,
हो गया है। लिखे हो तुम लोग? यस मैम। अच्छा, अब हम लोग बिल्स आफ्टर डेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, आफ्टर डेट के लिए डेट ऑफ ड्राइंग्स ले लेते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग्स, और एक लेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ ड्राइंग्स ले लेते हैं 27/6/1999, और ये ले लेते हैं 28/6/1999, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और टर्म जो है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, टर्म जो है वो है 3 मंथ आफ्टर डेट। अब आफ्टर डेट का कंसेप्ट देखो, द टर्म ऑफ द बिल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग से ही लेना है, क्योंकि आफ्टर डेट, डेट के बाद, तो पहला डेट कौन सा है? 27/6/28, तो पहला ड्रॉइंग्स का ही डेट होता है। हालांकि कभी कभी ड्रॉइंग्स और एक्सेप्टेंस का डेट एक भी हो सकता है, जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन एक्सेप्ट हो गया, तो सिमिलर हो सकता है, लेकिन ड्रॉइंग्स का डेट ही पहले आएगा, पहले ड्रॉ होगा। अगर कोई बाद में एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस का और एक डेट निकल के आ जाएगा, नहीं तो ड्रॉइंग्स और एक्सेप्टेंस लगभग एक ही दिन में हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 मंथ्स आफ्टर डेट करना है, यानी हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना है, ये डेट ले लेना है डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 27/6 से लेके 27/7 तक हो गया 1 मंथ, फिर 27/8 2 मंथ्स, 27/9 3 मंथ्स, ये देखो 1/1/1 3 मंथ्स हो गया। अब 27 के साथ 3 डेज ग्रेस ऐड करना है, तो ये सितंबर है, सितंबर शायद 30 डेज का होता है, तो 27 के बाद 20, 29, 30, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का कितना होगा? 39 आंसर, हाँ आंसर होगा 30 सितंबर। लेकिन एक चीज याद रखो, बिल्स का कुछ रूल्स होता है। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, मतलब नॉन हॉलीडे, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन हॉलीडे। नॉन हॉलीडे मतलब जैसे नॉन हॉलीडे में हम लोग का आ जाएगा 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जैन रिपब्लिक डे, ठीक है, और एक पब्लिक हॉलीडे में हम लोग का आएगा 30 सितंबर और 1 अप्रैल, ये दोनों आता है, 30 सितंबर और 1 अप्रैल। ये क्यों आता है ये बता देते हैं, 1 अप्रैल ये दोनों आएगा, ये दोनों है बैंक का हॉलीडे, एक है बैंक का ओपनिंग और एक है बैंक का क्लोजिंग, क्योंकि बिल, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के लिए। नहीं, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ये बैंक का है, बैंक हॉलीडे लिखा हुआ रहता है। अगर कैलेंडर में चेक करोगे तो देखोगे वहां पर रेड इंक रहता है, मतलब वो छुट्टी रहता है, छुट्टी मतलब ये नहीं कि सारा, मतलब जैसे 15 अगस्त में पूरा छुट्टी रहता है, वैसे छुट्टी नहीं रहेगा, बैंक का छुट्टी रहता है, और बिल्स लगभग बैंक में जाके इसे इनकैश करवाया जाता है, इसीलिए इसमें ये काउंट हो जाएगा। 30 सितंबर और 1 अप्रैल जो है ये पब्लिक हॉलीडे में इंक्लूड हो जाएगा, और ऑल संडे, अगर संडे हो जाता है ऑल संडे, क्योंकि संडे में बैंक वगैरह नहीं खुला हुआ रहता है और संडे को वर्किंग डे नहीं माना जाता है, तो पब्लिक हॉलीडे में ऑल संडेज आ जाएगा, 26 जैन, 15 अगस्त, 30 सितंबर और 1 अप्रैल, ठीक है। और अगर हम लोग का नॉन हॉलीडे है, हम लोग को पहले से ही पता है हॉलीडे है, अगर मान लो तुम लोग का फॉर्म फिलअप चल रहा है और लास्ट डेट दिया है 15 अगस्त तक, ठीक है, लेकिन तुम लोग को पता होता है पहले से कि 15 अगस्त तो कुछ खुलेगा नहीं, तो तुम लोग कौन से दिन जाके फॉर्म फिलअप करना पसंद करोगे, उसके पहले?
अगर लास्ट डेट पे ही करना है तो तुम लोग लास्ट डेट 15 अगस्त, अगर कॉलेज से बताया भी है तो तुम लोग कब चले जाओगे, 14 अगस्त को चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट में क्या होगा, 30 सितंबर के जगह हम लोगों का मैच्योरिटी डेट कौन सा हो जाएगा, 29 सितंबर। अगर नॉन हॉलीडे है तो प्रिसीडिंग डे लेना है हम लोगों को, अगर नॉन हॉलीडे है तो प्रिसीडिंग डे लेना पड़ेगा। लिख लियो ये वाला, यस मैम। ओके, अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और पेएबल, डेट ऑफ ड्रॉइंग ले लेते हैं 10/1/2000 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11/1/2000। और टर्म में लिखा हुआ है ऑन प्रेजेंटमेंट, ऑन प्रेजेंटमेंट लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है एक नोट, ड्रॉयर डिमांडेड द अमाउंट ऑफ दिस बिल, अमाउंट ऑफ दिस एवर बिल भी लिख सकते हो, ऑन 24 January 2000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसे बोलते हैं प्रेजेंटमेंट दिया हुआ है। देखो इसमें बोला है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है 10/1 मतलब 10 January 2000 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 11 January 2000। पेबल क्या है, ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है। ड्रॉयर डिमांडेड द अमाउंट ऑफ दिस बिल ऑन 24 January, लेकिन ड्रॉयर ने डिमांड किया है कि ये पैसा मुझे कब देना है, 24 January को देना है। और इसका जो कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंटमेंट मतलब जब प्रेजेंट हो गए तभी देना है, और प्रेजेंट कब होना है, 24 January को। तो इसका जो मतलब मैच्योरिटी डेट होगा, इस टाइप का बिल जो होता है इसका मैच्योरिटी डेट होगा जिस दिन डिमांड किया गया है, यानी 24 January। 24 January जो है वही हो जाएगा मैच्योरिटी डेट, बिकॉज कंसेप्ट देखो, जब प्रेजेंट हो गए ऑन प्रेजेंटमेंट तभी पे करना है, और प्रेजेंट होने के लिए डेट पहले से बोल दिया गया है 24 January। तो इसमें कोई भी ग्रेस कुछ भी ऐड नहीं होगा, डायरेक्टली जिस डेट है, जो डेट दिया हुआ है उसी डेट पे जाके पेमेंट कर देना है, इसे बोलते हैं ऑन प्रेजेंटमेंट बिल। ये लिख लियो, हाँ मैम। अच्छा अब फिर से एक कंसेप्ट देखो, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स है 5/1/2000, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 6/1/2000 और पेबल है एट साइट, पेबल है एट साइट, आफ्टर साइट नहीं है, एट साइट है। और यहाँ पर ये सेम नोट रहेगा, ड्रॉयर डिमांडेड
ड्रॉयर डी मिल गया, ड्रॉयर डिमांडेड द अमाउंट ऑफ दिस बिल ऑन 24 जन 2000। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? एट साइट मतलब जब आप आओगे, ठीक है, जब आप साइट पे पहुंचोगे, मतलब जब आपको देना है, तो देना कब है? 24 जन को। तो ऑन प्रेजेंटमेंट और एट साइट, प्रेजेंट मतलब खुद जाके प्रेजेंट होना, एट साइट मतलब जहां पर पे करना है वहां पर पहुंचना। तो कब पहुंचना है? 24 जन को पहुंचना है। तो इसका भी मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 24 जन। तो जब एट साइट लिखा हुआ रहेगा तो कोई ग्रेस एड नहीं होगा। लिख लियो ये वाला। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ ड्रॉइंग्स 2001 2000, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो है 3/1/2000, और इसमें है ऑन डिमांड। ये तो बता ही दिया, ऑन डिमांड मतलब पेबल तब करना है जब डिमांड करेंगे, और डिमांड कब करेंगे? 24 जन को। तो इसका भी मैच्योरिटी डेट 24 जन। तो ये इसमें भी ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा। तो ये तीन एक्सेप्शन था जहां पर ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा, अगर ये सब लिखा हुआ रहता है तो। ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और डिमांड डेट दिया हुआ है तो कब, पहले बात है दिया हुआ होगा ही नहीं तो टर्म को वैलिड ही नहीं कर पाएगा, और इसमें कभी भी ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा। लिख लियो ये वाला। हाँ मैम। ओके, अब मंथ का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने किया है, एक डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर टर्म ऑफ बिल डेज में है तो किस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए? तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ले लेते हैं 29th of Jan 1999, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेते हैं 3/2/99, और पेबल 30 डेज आफ्टर डेट, 30 डेज आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग से कैलकुलेट करना है। पहले ही हम लोगों ने देखा है कि डेट सबसे पहले कौन सा आता है, ड्राइंग्स वाला ही आता है। तो आफ्टर डेट, तो डेट मतलब ये इसे काउंट करना है, लेकिन हम लोग को 30 डेज करना है। तो अब डेज का कैलकुलेशन किस तरह से होगा वो देख लो अच्छे तरह से। पहला ही ये जैन है, 29/1 मतलब जैन का मंथ है। जैन का कितना दिन होता है? जैन 31 डेज का होता है। तो 31 डेज माइनस 29 तो कितना हो जाएगा? 2 डेज। और चेक कर लो कितना दिन बच रहा है, 29 को छोड़ देते हैं, 30 31, 2 डेज वहां बच गया। और इसे अगर 30 डेज करना है तो हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर 28 ऐड करना पड़ेगा। तो ये था जैन। इसके बाद है फेब। फेब नॉर्मली 28 का होता है। अब ये 99 है तो फिर 28 का ही होगा, क्योंकि 29 यानी लीप ईयर तब होता है अगर वो डिविजिबल बाय 4 होता है। जैसे ये साल लीप ईयर था 2020, तो ये 4 से डिविजिबल था। तो अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर यानी 29 होगा, वो ध्यान में रखना है। तो लीप ईयर नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो 28 डेज ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो कितना हो गया? 30 डेज कवर कर लिया, यानी फेब्रुअरी का 28th फेब जो है वो ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट आ गया। अब इसमें
थ्री डेज हम लोग को ग्रेस ऐड करना है. अगर थ्री डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो डेट ऑफ मैच्योरिटी थ्री डेज ऐड कर दो, 28 जो है वो फेब का लास्ट है, इसके बाद मार्च का मंथ आ जाएगा. तो 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, यानी कौन सा डेट हो जाएगा, 3 मार्च. 3 3 तीन दिन ऐड करने के बाद 3 मार्च आएगा, 3 3 1999. तो डेट का कैलकुलेशन हम लोग को इस तरह से करना है, सॉरी डेज का कैलकुलेशन, मतलब अगर टर्म ऑफ बिल डेज में होगा तो डेज का कैलकुलेशन इस तरह से करना है. मंथ का कैलकुलेशन तो इजी होता है, डेट टू डेट होता है, लेकिन डेज में हम लोगों को उस मंथ में कितने सारे डेज है वो चेक करने के बाद ही करना है. और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है जो मैच्योरिटी डेट हो रहा है क्या वो कोई हॉलीडे है, अगर नॉन हॉलीडे है तो उसके आगे जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कोई नॉन हॉलीडे वाला कंसेप्ट नहीं है. अच्छा, नॉन हॉलीडे होने से प्रिसीडिंग और अननोन होने से सडन होने से सक्सीडिंग, ये लिख लो. नॉन हॉलीडे तो प्रिसीडिंग डेट चूज करना है, प्रिसीडिंग डेट, और अगर सडन हॉलीडे है तो सक्सीडिंग डे, सक्सीडिंग डेट या फिर डे लिख सकते हो, मतलब उसके बाद वाला. अगर अचानक से स्ट्राइक वगैरह हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया है, कोई स्पेशल पर्सन का डेथ हो गया है, तो क्या होता है पूरे देश में मतलब बंद किया जाता है. तो अगर हॉलीडे ऐसा सडन है तो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी जो आएगा, अगर ये 3 मार्च जो है ये अगर सडन हॉलीडे हो जाता है तो फिर पे करना पड़ेगा 4 मार्च को, मतलब सक्सीडिंग यानी उसके नेक्स्ट वाला, सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट और प्रिसीडिंग यानी बिफोर, प्री है मतलब पहले. नोट कर लियो तुम लोग ये वाला. हाँ मैम. यस मैम. अच्छा, अब देखो बिल जो ड्रॉ हुआ है, जो ड्रॉयर है, बिल किसके पास रहता है, ड्रॉयर के पास रहता है, लेकिन वो बिल रखने के लिए उसके पास ना 3 ऑप्शंस है, सॉरी 4 ऑप्शंस रहेंगे. पहला ऑप्शन जो है, ही मे रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. नहीं तो ही मे सेंड, ये रिटेन है, सेंड द बिल टू द बैंक, सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, या फिर ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड with a bank or other person or he may endorse the bill to a creditor. अब देखो जिसमें ये जो पहला वाला टर्म है ये बहुत इजी है, मतलब 3 मंथ्स का अगर
ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, बी वो बिल में वो बिल लेके 3 मंथ्स के लिए अपने पास रख देगा और आफ्टर 3 मंथ्स बी को इन्फॉर्म करेगा। अगर बी खुद से नहीं बोलता है कि हम पैसा देने आ रहे हैं, तो फिर उसे बोलेगा कि तुम्हारा जो टर्म एंड कंडीशन था वो अब फुलफिल हो रहा है, अब तुम वो जो 50,000 है वो मुझे पे कर दो, ठीक है। तो ये है रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट आने तक अपने पास ही उस बिल को रख रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए को मतलब डर लग रहा है कि बिल तो एक मतलब वो तो एक सिक्योरिटी जैसा हो गया ना कि उसी से ही पैसा मिलेगा, वो शो करने से ही पैसा मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है पैसा ना भी मिले, ठीक है। और बी को देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो तो एथिक्स का बात हो जाता है, लेकिन अगर बी नहीं देता है तो प्रूफ तो एक ही चीज है, वो बिल के थ्रू। और अगर घर पे बिल रखने के लिए किसी को डर लगता है, जैसे घर पे हम लोग पैसा नहीं रखना चाहते बैंक में रखते हैं, हम लोग सोना नहीं रखना चाहते बैंक में रखते हैं, तो उसी तरह से अगर कोई बिल, अगर बड़े अमाउंट का बिल है या फिर अगर छोटे अमाउंट का भी है और किसी को घर पे नहीं रखना है फॉर द सेफ्टी पर्पस, तो वो बिल को क्या कर सकता है, सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होगा, ये जो रिटेन जो है बैंक करेगा, इसके पहले वाला रिटेन जो है एग्जांपल के हिसाब से ए करने वाला था, फर्स्ट वाला ए अपने पास ही रखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ए बोल रहा है बैंक को कि आप मेरा बिल को रिटेन कर लो और जब ड्यू डेट आएगा तो हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे। तो बैंक बोलेगा ठीक है, मतलब बैंक के पास हम लोग भाड़ा ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, सीधा बात है, तो बैंक बोलेगा तो मुझे बैंक चार्ज दो। बैंक इस केस में क्या लेगा, बैंक अपना चार्ज लेगा बिल को प्रोटेक्शन देने के लिए, बैंक अपने पास जो सेफली उस बिल को रखेगा उसके लिए बैंक ले लेगा बैंक चार्ज। तो इसे बोलते हैं ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। थर्ड क्या है, ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड विद ए बैंक और अदर पर्सन। इसमें क्या होता है, अगर कोई वेट नहीं कर पाता है जब तक टर्म्स ऑफ जो बिल है, मतलब बिल का जो टर्म है 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी हो, अगर ए वेट नहीं कर पाता है उसे उसके पहले ही पैसे का जरूरत हो जाता है, लेकिन क्योंकि टर्म में लिखा हुआ है 2 मंथ्स के पहले पैसा नहीं मिलेगा या फिर 3 मंथ्स के पहले पैसा नहीं मिलेगा, तो बी उसे पहले पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो ए क्या कर सकता है, ए बैंक में जाके बोल सकता है कि आप ये बिल रख लो, ठीक है, और मुझे पैसा दे दो, और जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो आप बी से पैसा ले लो, ठीक है। ये बैंक को भी बोल सकता है या फिर किसी अदर पर्सन को भी बोल सकता है। अब बैंक क्यों हेल्प करेगा इस काम में, बैंक इसलिए हेल्प करेगा, बैंक इस काम में क्या करेगा, इससे पैसा ले लेगा, मतलब डिस्काउंट कर देगा, इसको बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना। तो बैंक इसमें डिस्काउंट चार्ज काटेगा, ठीक है, मतलब अगर बिल जो है वो 10,000, यहाँ पर चार्ज काटना तो सही था, चार्ज इसलिए काट रहा है क्योंकि वो सेफ्टी दे रहा है, बिल को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अपने पास रख रहा है, ए नहीं रख सकता है इसीलिए बैंक को दे रहा है, तो बैंक बोल रहा है मेरा चार्ज दे दो बिल रखने का। और यहाँ पर बैंक बोल रहा है तुम्हें पैसे का जरूरत है, हम तुम्हें पैसा ऐसे ही क्यों दे, इसमें बैंक का क्या फायदा। बैंक बोलेगा ठीक है तुम्हारा 50,000 का बिल है, हम इसको क्या करेंगे, हम तुम्हें 1,000 काट के पैसा देंगे, हम तुम्हें 49,000 अभी इंस्टेंट दे देते हैं, और जब बी पैसा पे करेगा तो हम बी से 50,000 ले लेंगे। अब इसमें एक का लॉस है, अब जल्दी पैसा चाहिए तो लॉस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम वेट नहीं कर सकते, अगर वेट करोगे तो बी से मिल जाता 50,000। अब ये ऐसा काम बैंक से भी करवा सकता है, और अगर कोई अदर पर्सन है वो अगर चाहता है कि तुम मुझे बिल दे दो लेकिन हम तुम्हें 49,000 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, और जब मैच्योरिटी होगा तो बी मुझे पे कर देगा, और इसमें अगर ए राजी हो जाता है तो फिर ए अपना बिल डिस्काउंट करवा सकता है, अगर उसे जरूरत है तो, जल्दी पैसे का जरूरत है तो वो डिस्काउंट करवा सकता है। तो डिस्काउंट करवाने पर डिस्काउंट चार्ज लगता है, और बैंक में जाके उसे प्रोटेक्शन के लिए रखने पर बैंक चार्ज लग सकता है। और लास्ट जो है एंडोर्समेंट, जो है एंडोर्समेंट तो मैंने पहले ही समझाया है, अगर हम लोगों ने भी किसी से ऐसा कुछ खरीदा है तो, एक मिनट कोई आया है, ओके, तो ही में एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर। तो यहाँ पर मैंने जो ए बी सी का कंसेप्ट लिया था, वहां पर सी कौन था, सी था एंडोर्सर। अब ए, ए और सी में रिलेशन ये था कि ए था सी का डेटर और ए के लिए सी कौन था, क्रेडिटर था। तो
ए क्या कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है बिल उसके क्रेडिटर को, सी को. तो एक बिल का चार तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं. और ये बेसिकली एक जर्नल बेस्ड चैप्टर है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे, ही मे रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. इसके ऊपर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे. तुम लोग नोट किया हो इसको? ये मेन मेन पॉइंट अगर नोट कर लोगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेडी हो जाएगा और अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को. तो इसे रब कर दें. इसे रब कर दें, इसे हटा दें इस पेज को. यस मैम. हाँ मैम. ओके. अब हेडिंग करो. फर्स्ट जो पॉइंट था कि रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, इसका हेडिंग कर लो, रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. क्वेश्चन लिखो ऑन 1st Jan ए सोल्ड. क्वेश्चन वन लिख लो इसे. क्वेश्चन वन, 1st Jan ए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 to B and drew a bill on B at 3 months for the amount. B accepted and returned it to A, and returned it to A. The bill is duly honored at maturity. Pass journal entries in the books of A and B. If A retained the bill till the due date. इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से लिख लो. इसमें अब हम लोग एडिशन कर करके आगे का जितना भी मतलब कंसेप्ट है उसे समझेंगे सेम एग्जाम्पल के साथ. बस इसमें डिस्काउंट अमाउंट, बैंक चार्ज अमाउंट को जस्ट ऐड करते जाएंगे. तो देखो क्वेश्चन क्या है. ऑन 1-1 ए सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू बी. ए ने बी को सेल किया है एंड ड्रू ए बिल ऑन बी. सो ऑब्वियस सा बात है, अगर ए ने सेल किया है तो ए बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर. और बी को कितने दिन बाद पे करना है? एट 3 months फॉर द अमाउंट. फॉर द अमाउंट मतलब दिस वन, 10,000 के लिए 3 months का जो है वो बिल ड्रॉ किया गया. अब मैंने बताया था कि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ए के पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा. तो बी एक्सेप्टेड, देखो ये सब टर्म्स याद रखना है, बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. मैंने पहले ही बताया था बी के पास बिल रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. बी एंड रिटर्न कर दिया इट टू ए,
यानी बिल हमेशा किसके पास रहता है, जो ड्रॉयर होता है उसके पास रहता है, और एक्सेप्ट कौन करता है, जो ड्रॉई होता है। द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, ड्यूली ऑनर्ड मतलब ये माना जा रहा है कि बी पैसा दे देगा। ऑनर्ड हो जाने का मतलब है सही काम करना, ठीक है। डिसऑनर्ड मतलब तुमने बोला और पैसा नहीं दिया, ये डिसऑनर्ड होता है। एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाएगा तो बिल ऑनर्ड हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। पास करना है हम लोग को जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है। अब कौन सा कंसेप्ट में वो दिया हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन में दे दिया है। इफ ए रिटेन्ड द बिल टिल द डेट, टिल द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट आने तक अगर ए बिल जो है वो अपने पास ही रख रहा है तो एंट्री क्या होगा, ये हम लोग को पूछा गया। तो क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन कर लिया हो तो हम आंसर बताते किस तरह से करना। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? यस मैम। ओके, तो अब तुम लोग क्या करोगे, इस तरह से दो इन द बुक्स ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ बी लिख लो दोनों साइड में। हम लिख देते हैं ए और बी, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ बी। अब जर्नल जैसा तुम लोग को कॉलम कर लेना चाहिए, हम यहाँ पर कॉलम मेंटेन नहीं कर रहे। तुम लोग को तो पता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो अगर रिटर्न क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट जैन जो है, पहला है ए ने सेल किया है गुड्स, तो ए ने जब सेल किया है तो एंट्री ये हो जाएगा बी अकाउंट, बीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स 10,000। और नरेशन भी लिखना पड़ेगा अगर रिटर्न क्वेश्चन है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। हम नहीं लिख रहे क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाएगा शायद, कम हो जाएगा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, और इसी डेट पे बी का भी एंट्री होना चाहिए, बी ने परचेज किया है तो बी लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। नेक्स्ट बिल ड्रॉ हुआ है, और ड्रॉ का अलग से कोई डेट नहीं, ये सेल डेट है तो हम लोग ये मानेंगे जिस दिन सेल हुआ है उसी दिन बिल्स ड्रॉ हुआ है। और ए को पैसा मिलेगा तो ए के लिए बिल्स जो ड्रॉ होगा ए के पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब जिससे पैसा मिलेगा, रिसीव करेंगे बिल्स रिसीवेबल टू बी, बिल्स रिसीवेबल टू बी हो जाएगा। Being bills drawn, being bills drawn इसका narration होगा, इसमें होगा being goods purchased, इसमें होगा being bills drawn। अब bills receivable होता है, payable होता है, तो bills receivable A के पास रहेगा, bills payable B के पास रहेगा, तो B बोलेगा A account debit to bills payable 10,000। ये एक्सेप्टेंस के लिए कि मैंने बिल्स पेएबल को एक्सेप्ट कर लिया। अब बोला है कि कितने दिन के लिए ये पैसा मतलब देना पड़ेगा, कितने दिन बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स बाद डेट कौन सा होगा बताओ, उसी दिन पैसा मिलेगा और बिल्स जो है वो ड्यूली ऑनर्ड है, मतलब बी पैसा क्लियर कर देगा आफ्टर 3 मंथ्स, तो बताओ डेट क्या होगा। 1st अप्रैल। 1st अप्रैल नहीं होगा, 1st अप्रैल में 3 डेज ग्रेस ऐड होने के बाद 4th अप्रैल होगा, क्योंकि डेट ऑफ मैच्योरिटी उसी तरह से मिलता है। ड्यू डेट 1st अप्रैल है वो ठीक है, लेकिन 1st अप्रैल ड्यू डेट के साथ 3 डेज ग्रेस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। बिल्स में 3 डेज ग्रेस ऐड होता है, तो 3 डेज ग्रेस ऐड करने के बाद हो जाएगा 4th अप्रैल। और अगर ए को पैसा मिल जाएगा तो ए एंट्री पास करवाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल 10,000, 10,000, और 4 अप्रैल बी अपना पेमेंट दे देगा, बिल्स पेबल 2 बैंक 10,000, 10,000 डेबिट, अब इसमें देखो अगर यहाँ पर क्या होता है, पहले सेल हो गया, बी टू सेल्स हो गया, अब देखो फिर हो गया बिल्स रिसीवेबल टू बी, ठीक है, तो ये बी डेबिट और बी क्रेडिट ये दोनों हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, बिल्स रिसीवेबल टू सेल्स बचा, फिर हो गया बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, यानी बिल्स रिसीवेबल एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बैंक टू सेल्स, मतलब वही कैश का एंट्री बच जाता है, बैंक टू सेल्स, मतलब यही हम बताना चाह रहे, पहले जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अगर हम लोग कैश में सेल कर देते हैं तो ज्यादा कुछ एंट्री का जरूरत नहीं होता है, खाता वही बंद हो जाता है, जो हम लोग का बुक्स मेंटेन होता है वो एक एंट्री से ही बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्रेडिट किया और उसके बाद बिल्स के थ्रू किया तो हम लोग का 3 एंट्रीज यहाँ पर जनरेट हुआ है। सेम बी के लिए भी देखोगे तो परचेज टू ए हुआ, फिर ए टू बिल्स पेबल, तो ए डेबिट और ए क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, परचेज टू बिल्स पेबल, फिर बिल्स पेबल डेबिट और क्रेडिट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, परचेज टू बैंक, अगर ये कैश में परचेज कर लेता तो परचेज टू बैंक इसी का ही एंट्री पास करवाता। ये हो गया है तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग करो, व्हेन द बिल्स इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, जो पॉइंट टू था। पॉइंट टू को हेडिंग कर लो, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये वाला हो गया है, ये जो मैंने सॉल्यूशन किया ये हो गया है। यस मैम, हो गया। अच्छा अब हेडिंग करेंगे, व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में लिख लो कि टेकिंग द सेम क्वेश्चन वन এটা কি ফার্স্ট কোশ্চেনের কন্টিনিউশন? হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নে, এটা এডিশন। টেকিং দ্য সেম কোয়েশ্চেন ওয়ান, পাস জার্নাল এন্ট্রিজ ইন দ্য বুকস অফ এ অ্যান্ড বি ইফ এ সেন্ট দ্য বিল টু the bank for collection and bank charged 1% commission। तो देखो मैंने पहले भी बोला था उस क्वेश्चन को अच्छे तरह से लिख लो, उसी को जस्ट हम लोग अलग अलग उसमें पॉइंट ऐड करके ये 4 पॉइंट सीख लेंगे। तो
तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है टेकिंग द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन वन मतलब वही ए और बी के अंदर सेल परचेज हुआ है 10,000 का, 3 months का बिल है और बिल ड्यूली ऑनर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ए बिल को अपने पास ना रख के बैंक में भेज दिया है और बैंक ने रिटर्न में इससे कितना चार्ज काट लिया है, 1% कमीशन ले लेगा, बिल को रखने के लिए अपने पास 1% कमीशन चार्ज करेगा, तो क्या एंट्री होगा ये हम लोग को पास करना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। क्वेश्चन लिख लियो हम आंसर करें। यस मैम। है मैम। अच्छा इन द बुक्स ऑफ ए इन द books of B। तो फर्स्ट पॉइंट के तरह यहाँ पर भी सेल परचेस होगा, तो ए जो है वो सेलर है, वो बोलेगा बी से मुझे पैसा मिलेगा, बी इज माई डेटर, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, 1-1 में बी बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, सेल परचेस तो हो चुका है, अब बी क्योंकि पैसा नहीं दे पाएगा तो बिल ड्रॉ होगा, तो बिल्स रिसीवेबल टू बी, डेबिट और ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब यहां पर एक कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ये है कि ए जो है वो बैंक के पास चला गया है, अब कौन से डेट पे गया ये नहीं बताया, तो हम लोग ये मान लेंगे जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उसी डेट पे गया, अगर बिल ड्रॉ करने के बाद कब वो बैंक के पास जाता है नहीं बताया जाएगा, तो ड्रॉइंग डेट को ही हम लोग मान लेंगे बैंक में जाने का डेट। अगर ये बैंक में जाके बिल को दे देगा तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल लेके ही तो बैंक में जाने वाला है और बैंक वाले को वो बिल्स रिसीवेबल का जो कागज है वो हैंड ओवर करने वाला है, तो बिल्स रिसीवेबल इसके पास जब तक था तो डेबिट था, अब इसके पास से चला जाएगा तो क्रेडिट करेंगे तो चला जाएगा, कैंसिल करना है और अकाउंट्स में इसी तरह से कैंसिल होता है, तो टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल 10,000, ठीक है, और यहाँ पर बैंक के पास जाएगा तो यहाँ पर एंट्री ये हो जाएगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक में हैंडओवर कर देने से ये एंट्री लिखना पड़ता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स को हम लोग बैंक में रख दिए बाद में कलेक्ट करेंगे, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, लेकिन इससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बिल को अपने पास रखे बैंक में रखे बिल को एंडोर्स कर दे या फिर बिल को पहले ही मतलब इन कैश करवा ले, उससे बी को कोई लेना देना नहीं है, बी तो अपना पेमेंट 4 तारीख को ही करेगा, 4 अप्रैल को बी अपना पेमेंट करेगा, तो ठीक है। अब बैंक के पास गया है तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि बैंक अपना चार्ज काट लेगा, तो 4 अप्रैल को जब अब ये बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है, अब 4 अप्रैल जब आ गया जो कि हमारा मैच्योरिटी डेट है आफ्टर एडिंग 3 डेज ग्रेस, अब बी पेमेंट करेगा तो बी बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सॉरी टू ए नहीं टू बैंक, मतलब उसके पास से पैसा चला जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, टू बैंक, तो बैंक में कितना है कितना जाएगा 10,000, तो इसका चला जाएगा 10,000, ए तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, ये तो होगा ही नहीं, वो हम गलती से लिखे। अब
जैसे ही बिल्स पे होगा वैसे ही पैसा मिलेगा, लेकिन ए को पैसा कलेक्ट करने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसने बिल जो है वो बैंक को दे दिया और बैंक पहले से ही बता दिया है कि हम कितना पैसा काटेंगे, 1% काटेंगे। तो ए को जब पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट है। अब चार्ज काट लेगा बैंक तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, बैंक चार्ज डेबिट टू। अब इसके पास तो बिल्स रिसीवेबल था नहीं, ये कंसेप्ट देखो, बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट होकर कैंसिल हो चुका है। अच्छा, बी भी डेबिट क्रेडिट से कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन और सेल्स। ठीक है, ये तुम लोग ध्यान में देखो, बी डेबिट और यहाँ देखो बी क्रेडिट, कैंसिल हो चुका है बिल्स रिसीवेबल और ये बिल्स रिसीवेबल, ये भी कैंसिल हो चुका है। दो टर्म बचे हैं, एक सेल्स और एक बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हम लोग किसे कैंसिल करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो था ही नहीं जब उसने भेज दिया, तो वो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन हो चुका था। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने का था, 10,000 का था। अब बैंक ने कितना चार्ज काट लिया है, 1%, तो 10,000 का 1% हो जाता है 100, तो बैंक उसे कितना पैसा देगा, बैंक उसे 9,900 देगा। मतलब ए जब बैंक को जाके बोलेगा कि मेरा तो मैच्योरिटी डेट आ गया है, बी मुझे पेमेंट कर रहा है 10,000, तो बैंक बोलेगा ठीक है 10,000 तो नहीं मिलेगा, 9,900 ले जाओ और हमारा जो चार्ज था 1% बेसिस पे 100 हो रहा है वो दे दो। तो ये हो जाएगा एंट्री। ये हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वाला हेडिंग करो, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्या ये हो गया, इसे हटा दे। अच्छा, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड with bank, तो इसका क्वेश्चन लिखो, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000 एंड ए drew a bill at 3 months for the amount. B accepted it and returned to A who discounted the bill with bank on 4th Feb at the rate of 15% per annum. The bill is duly honored at maturity. Pass journal entry.
इसमें देखो क्या बोला है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 एंड ए ड्रू अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट. ये तो पहले क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल सेम है. बी एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न टू ए, ये तो रूल्स है करना ही पड़ेगा. वो डिस्काउंटेड, लेकिन ए ने क्या किया है, डिस्काउंटेड द बिल विथ बैंक ऑन 4th फेब. देखो इसका मतलब इसको पैसा कब मिलने वाला था, 4th अप्रैल को मिलने वाला था अकॉर्डिंग टू 3 months, और ये जो डेट ऑफ बिल था ये 1-1 दे देते हैं. 1-1 लिखना भूल गए, ऑन 1-1. तो 1st जैन से लेके 3 months 4th अप्रैल हो रहा है, लेकिन ए को पैसा क्या जरूरत हो गया 4th फेब को, ठीक है, तभी तो वो बैंक के पास गया. और 15% डिस्काउंट रेट चल रहा था बैंक का, तब मतलब बैंक ने ये बता के रखा था कि मतलब 15% 100 रुपीज पे 15 रुपीज हम लोग डिस्काउंट करके बाकी पैसा रिटर्न करेंगे, ये रेट चल रहा है. द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड हो जाएगा, इसका मतलब बी पैसा दे देगा एट मैच्योरिटी पास जर्नल एंट्री, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करवाना है. तो तुम लोग क्वेश्चन लिख लियो तो हम आंसर बताएं. हाँ मैम. तो फिर से वही ए और बी का कॉलम कर लो. तो पहले तो सेल का नॉर्मल एंट्री होगा जैसे होता है 1-1 को, वन एक मिनट. अरे ये फिर से सेम प्रॉब्लम हो गया. ठीक है तुम लोग एंट्री करो, हम देखते हैं. फिर से सेम प्रॉब्लम हो गया, इसमें लिखा ही नहीं हो रहा है, फिर से इरेजर आ रहा है. तुम लोग सेल का एंट्री लिखो, B2 सेल्स होगा ए में. और बी में परचेज टू ए होगा. फिर बिल्स ड्रॉन का एंट्री लिखो, बिल्स रिसीवेबल टू बी हो जाएगा. और बिल्स एक्सेप्टेंस का बिल्स ए टू बिल्स पेबल. फर्स्ट दो एंट्री सेम होगा, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है फर्स्ट दो एंट्री सेम होगा. वो हो जाने के बाद देखो बी में सारा एंट्री सेम होगा, परचेज टू ए, ए टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू बैंक, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है वो ए के साथ है. ए कभी उसको रखने के लिए बैंक में जाता है और कभी डिस्काउंट करवा लेता है. तो बी में सारा एंट्री एज इट इज होगा जो भी पहले हुआ है. तो तुम लोग प्लीज बी में सारा एंट्री लिख लो, हम देख रहे हैं पेन ठीक नहीं है, पेन में बार बार वो इरेजर वाला मोड ही आ जा रहा है. तो तुम लोग बी का जो 3 एंट्री है वो लिख लो एज इट इज डेट देके, 1st जन और 4th अप्रैल. और उसके बाद तुम लोग मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करके बताओ कि बी का जो बिल मतलब बिल जो है वो कितना डिस्काउंट होगा जो 15% के हिसाब से, और उसका एंट्री भी हम बताते हैं.
अच्छा एक बार स्क्रीन शेयरिंग जो हो रहा है उसे एक बार बंद करें, तुम लोग लिखो और तुम लोग जो लिख रहे हो लिखने के बाद मुझे प्लीज डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, और एंट्री सारा सेम होगा बी में जो भी एज इट इज एंट्री अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन के लिए किया वही होगा, और ए के लिए फर्स्ट दो एंट्री जो है वो सेम होगा और जो थर्ड एंट्री है वो फोर्थ फेब का होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा डिस्काउंट का अमाउंट बताओ। 250। हाँ 250 होगा। और एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट 250, अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा, 10,000 माइनस 250 कर दो 9,750, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये हैंग कर गया इसके वजह से, मतलब पेन यूज नहीं कर पा रहे, सिर्फ इरेजर दिखा रहा है, तो तुम लोग लाइन में रहो एक बार रीस्टार्ट करेंगे और तब तक तुम लोग एंट्री लिख लो, तुम लोग कनेक्टेड रहो ठीक है, रीस्टार्ट होगा। ओके मैम।
सब कोई हो? हेलो, हाय मैम। हाँ यस मैम। मौसमी, प्रीति, शुभाशी, सुमित, विशाल। यस मैम। ठीक है, है मैम। स्क्रीन शेयर हो गया? है मैम। ओके, तो देखो जो हम लोग कर रहे थे उसमें पहले हो जाएगा बी टू सेल्स। फर्स्ट जैन को होगा बी टू सेल्स। आई होप तुम लोगों ने कर लिया है। 10,000 यहाँ हो जाएगा परचेज टू ए 10,000। फिर फर्स्ट जैन को बी आर बिल्स रिसीवेबल टू बी 10,000। और यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी पी 10,000। सेम डेट है 1-1-1-1। अच्छा, यहाँ फोर्थ फेब का एंट्री होना चाहिए। डेट ध्यान में रखो, फोर्थ फेब में ए जो है बैंक के पास गया है, बैंक डिस्काउंट, ये डिस्काउंट लिखना है वहां। जैसे बैंक चार्जेस लिखा था हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 10,000 का है। और कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों को, 10,000 इंटू 15%, यानी 15 डिवाइडेड बाई 100, ये पूरे साल का है। और इसमें काउंट इस तरह से करना है कि फोर्थ फेब से लेके, हम लोगों को ये चेक करना है कि फोर्थ फेब से लेके कितने दिन बाद हम लोग को पैसा मिलने वाला था, उसके पहले हम लोगों ने कितने दिन पहले ले लिया। पैसा मिलने वाला था 4 अप्रैल को, हम लोगों ने ले लिया है 4 फेब को, तो जितना दिन पहले लिया है उस हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कितना होगा देखो, 10,000 इंटू 15% इंटू 2 मंथ्स पहले लिया है, तो 2/12। तो कैलकुलेट करो कितना होता है, 10,000 इंटू 15% इंटू 2/12 कितना होता है? 250। हाँ, 250 होगा, 250। तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 250। तो समझ लो किस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर डिस्काउंट मतलब पैसा उतने दिन का काट लेंगे जितना दिन पहले हम लोगों ने बिल को मतलब मैच्योर करवा लिया। बिल को हम लोगों ने 4 फेब को मैच्योर करवा लिया, जबकि वो मैच्योर होने वाला था 4 अप्रैल को। तो ये जो टाइम गैप है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग को वेट करना चाहिए था, उस बेसिस पे होगा। तो 9750। और बी का इस डेट पे कोई काम नहीं होगा, 4 फेब इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है। 4 अप्रैल को बी बोलेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने पैसा पे कर दिया। बी को तो 10,000 ही पे करना है, जबकि पैसा बी किसको पे करेगा, बैंक को पे करेगा 10,000। लेकिन बैंक ए को पहले ही 4 फेब को ही दे चुका है 9,750। तो ये केस था। फिर नेक्स्ट हेडिंग करो, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, when the bill is endorsed in favor of creditor on 1/1 a sold goods to b and drew a 3-month bill for rupees 10,000. B accept it and return to A who endorse the bill
1 month after acceptance in favor of C, a creditor of A for settlement of his debt 10,200. Bill is duly honored. Pass entry in the books of A, B, C. A, B, C. इस क्वेश्चन में तीनों का बुक्स ओपन करना है. ए बी और सी तीनों का क्या एंट्री होगा वो हम लोग को लिखना है. ए बी और सी. और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या दिया है. When the on 1/1/2 A sold goods to B and drew a 3 month bill for 10,000. Yani A B mein 10,000 ka len den hua hai, 3 months ke liye bill draw kiya gaya. B accepted it and returned to A who endorsed the bill 1 month after acceptance. Kab endorse kiya wo date dekho. Accept karne ka 1 month baad in favor of C. Theek hai, C ke favor mein endorse kar diya. C kaun hai? Ek creditor hai A ka. और इससे क्या होगा, इसका सेटलमेंट हो जाएगा 10,200 का. बिल इज ड्यूली ऑनर्ड मतलब बी जो है वो पैसा पे कर देगा. पास करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी. तो ये पेज हटा दें, आंसर करें. हाँ ओके. तो फर्स्ट जैन को हो जाएगा बी टू सेल्स. फर्स्ट जैन को हो जाएगा परचेज टू ए. सी का तो नहीं पता, सी के साथ ए का कब परचेज सेल हुआ था. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल टू बी, ए ने बिल ड्रॉ किया है और बी ने एक्सेप्ट किया है. तो ए टू बी पी. सी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है. उसके बाद फर्स्ट फेब को ए ने एंडोर्स कर दिया बिल सी को, तो ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा. तो हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल चला गया. और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के कंसेप्ट में डेबिट द रिसीवर को करेंगे, मतलब सी अकाउंट हो जाएगा डेबिट. सी रिसीव कर रहा है बिल्स को, ठीक है. लेकिन सी के साथ जो ट्रांजैक्शन था वो 10,200 का था, यानी सी पहले क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है. और लैंग्वेज में लिखा हुआ है सेटलमेंट, यानी 10,200 में वो मान जा रहा है, सेटल हो जा रहा है, कुछ रिमेनिंग नहीं रह रहा है. तो इसका मतलब ए को क्या मिल चुका है, ए को मिल चुका है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट. ए ने डिस्काउंट रिसिप्ट कर लिया है सी से, कितने का, 200 का, क्योंकि सी ने सेटल कर लिया है डेब्ट जो ए के साथ उसका था, ठीक है. फर्स्ट फेब को ये हो गया है और अब सी में एंट्री करना है. अब इससे बी का कोई लेना देना नहीं है, बी को तो अब इसके बाद 4 अप्रैल को बस पैसा देना है. अब सी अपना क्या एंट्री करेगा, सी के पास आ जाता है बिल्स रिसीवेबल, तो सी बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मेरे पास बिल आ गया है 10,000 का, लेकिन मेरा डिस्काउंट जो दिए हैं उसके लिए लॉस है. तो डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू ए. ए जो उसका डेटर था वो कैंसिल हो गया 10,200.
अब जब 4 अप्रैल आएगा तो अब ए के पास तो कुछ नहीं रहा, अब ट्रांजैक्शन बी और सी में होना चाहिए क्योंकि बी जो है वो पेयर हो गया, सी है पे हो गया। तो 4 अप्रैल में जब बी पैसा पे करेगा तो बी का तो सिंपल सा एंट्री होगा बीपी टू बैंक, जैसे होगा नॉर्मल 10,000 10,000। और सी पैसा ले लेगा तो सी एंट्री करेगा 4 अप्रैल को, जो ए करने वाला था बैंक टू बी आर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो 10,000 10,000। हो गया ये वाला? हाँ मैम। अच्छा नेक्स्ट लिखो, ए ओड 8,000 ही गिव, ए ओड बी, ए ओड बी 8,000 He gave a bill. He gave a bill for the same on 1st August, payable after 4 months at the BOI, Bank of India, Delhi. Immediately, after receiving the bill, be endorsed it to C in payment of his debt on 4th September, C discounted the bill at the rate 12% per annum. The bill is made on due date. Pass entry for A, B and C. तो इसमें क्या दिया है देखो, ए ओड बी 8,000, तो ओड करना मतलब उधार देना, ठीक है? तो कौन उधार किस किससे लिया है? यहाँ पर ए जो है वो उधार लिया है बी से, ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1/8, और इसने बिल भी एक्सेप्ट कर लिया है, पेबल आफ्टर 4 मंथ्स एट द बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली। Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C. और जब A ने accept कर लिया कि 4 months बाद Bank of India में उसे ये पैसा pay करना है, तो B के पास जो bills receivable था, क्योंकि A ने उधार लिया था B से, तो B endorsed कर दिया इसे C को in payment of his debt on 4/9. उसको C को payment करना था 4 September को। और फिर देखो क्या हुआ, सी एंडोर्स द बिल एट 12% पर एनम
सॉरी सी डिस्काउंट द बिल एट 12% पर एनम. सी ने जो है वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया. द बिल इज मेड ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट में जिसे पैसा देना था वो दे दिया, मतलब बी अपना पैसा क्लियर कर दिया. अब बिल तो ए के पास, सॉरी ए अपना पैसा क्लियर कर दिया, बिल जो है वो अभी किसके पास है, वो सी के पास है. यानी ए को किसको पेमेंट करना पड़ेगा, सी को पेमेंट करना पड़ेगा. एंट्री पास करवाना है हम लोगों को, ए बी और सी तीनों के बुक्स में एंट्री पास करवाना है. तो क्वेश्चन लिख लियो, इसका आंसर करें. हाँ मैम. तो ए बी और सी, तो सबसे पहले ए ने उधार लिया है, उधार का डेट जो है, उधार का डेट नहीं दिया हुआ है, बिल्स का डेट दिया हुआ है 1st अगस्त. ठीक है, तो फिर 1st अगस्त है, तो 1st अगस्त हम लोग बिल्स का ही एंट्री कर देते हैं. तो ए जो है उसने बिल्स एक्सेप्ट किया, क्योंकि उधार कब हुआ है वो नहीं पता, ट्रांजैक्शन डेट नहीं है तो कैसे लिखेंगे. तो बी टू बिल्स पेबल लिख देते हैं. सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करते हैं, 8000. ऐसे उधार लेने का एंट्री तो पता है ना, एक कैश टू लोन फ्रॉम बी करेगा और बी बोलेगा लोन गिवन टू ए, लोन गिवन टू ए टू कैश, इस तरह से एंट्री करेगा. ठीक है, और 1st अगस्त को बी बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए 8000. अब बिल्स पेएबल, अब क्या होगा कि 4 मंथ्स बाद पे करना था, लेकिन क्या हुआ, बी ने अपना बिल्स को एंडोर्स कर दिया 1st अगस्त को, किसको दे दिया है, सी को. तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अब यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं बताया कितने का था, तो एज्यूम्ड है कि वो 8000 का ही था. अब सी क्या एंट्री करेगा, सी 1st अगस्त को एंट्री करेगा कि मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ चुका है. तो बिल्स रिसीवेबल और किसने दिया है, बी ने. तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, एंडोर्समेंट का एंट्री हो गया. अब कब पे करना चाहिए, आफ्टर 4 मंथ्स, तो कब पे होगा, डेट बताओ. मैच्योरिटी डेट बताओ. फोर्थ दिसंबर नहीं होगा. अगस्त टू सेप्टेम्बर 1 मंथ, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर 2 मंथ, अक्टूबर टू नवंबर 3 मंथ, नवंबर टू दिसंबर 4 मंथ्स, और 1st दिसंबर हो रहा है उसमें 3 डेज एड कर देंगे ग्रेस, तो 4th दिसंबर हो जाएगा. 4th दिसंबर ए को पे करना है पैसा, तो ए पैसा पे करेगा बीपी टू बैंक या फिर कैश 8000. अब बी के पास तो है नहीं बिल, बिल है सी के पास, तो सी को पैसा मिलेगा, सी को पैसा मिलेगा 4th दिसंबर में. लेकिन 4th दिसंबर में नहीं मिलेगा, उसके पहले हम लोग को एक एंट्री करना है 4th सितंबर को. अच्छा, क्वेश्चन में सी डिस्काउंट करवाया था वो मैंने ओमिट कर दिया, तो सी बिल मिलने के बाद वो बैंक में डिस्काउंट करवाया था, तो उसका एंट्री करना पड़ेगा पहले. तो बैंक डिस्काउंट टू बी आर, तो बिल्स रिसीवेबल हो गया 8000 का. अब डिस्काउंट जो है 12% रेट में, तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा. जैसे उसमें 15% था, यहाँ 12% है. पहले ये एंट्री होगा कि सी को बिल मिला और सी उसको बैंक में इन कैश करवा लिया. ठीक है, तो पैसा सी को नहीं मिलेगा, पैसा बैंक में जमा हो जाएगा, बैंक वाले को मिल जाएगा ए से. तो डिस्काउंट का अमाउंट बताओ कितना होगा. डिस्काउंट का अमाउंट होगा 240, तो पैसा रिसीव होगा 7760. ये देखो इस तरह से होगा 8000 × 12% यानी 12/100. और कितने दिन पहले डिस्काउंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होगा. देखो 4 सितंबर को आए, जबकि होना चाहिए था 4th
दिसंबर को, तो 4th सितंबर से 4th अक्टूबर 1 month, 4th अक्टूबर से लेके 4th नवंबर 2 months, और 4th नवंबर से 4th दिसंबर 3 months, यानी 3 महीना पहले, तो 3/12, तो यहाँ 12 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, तो 3 × 80 = 240, तो बैंक डेबिट 7760, यानी सी को कितना पैसा मिलेगा, 7760 मिल जाएगा डिस्काउंट करवाने पर, और ये तब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, ये जो एंट्री है ये इसके बाद होगा, इस 4 सितंबर में, और किसी का एंट्री नहीं होगा। अब लास्ट एंट्री जो है जब मैच्योरिटी डेट आएगा 4 दिसंबर को, तो ए ये वाला एंट्री पास करवा देगा कि बीपी टू बैंक, और ये पैसा जो है मतलब अभी होल्डर ऑफ द बिल जो है वो तो बैंक है, तो बैंक के पास वो पैसा चला जाएगा 8000 रुपीज। और दो छोटा क्वेश्चन है इसे करके फिर कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो ये हटा दें, ये हो गया है। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट लिखो फटाफट, ए ड्रू 3 month बिल ऑफ रुपीज 10,000 अपॉन बी and this bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who, ये D है, who in turn endorsed in favor of A to discharge his own acceptance journal entry in journal entry for A B C D। तो question क्या है देखो, A जो है एक bill draw किया है, ये suppose A है, इसने bill draw किया है B पे, ठीक है, और ये ए जो है इस बिल को एंडोर्स कर दिया, बी के पास बिल ड्रॉ करेगा तो बी उसे साइन करके रिटर्न कर देता है, ठीक है, तो ए उस बिल को एंडोर्स कर दिया है किसे, सी को, ठीक है, ए ने अपना बिल सी को दे दिया है, सी ने एंडोर्स कर दिया है डी को, सी ने एंडोर्स कर दिया है डी को, यानी अभी बिल किसके पास है, डी ने, और डी ने क्या किया है, वो इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए, फिर डी ने क्या किया, उसी बिल को ए को एंडोर्स कर दिया है ताकि उसका जो एक्सेप्टेंस है वो डिस्चार्ज हो जाए। एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज का मतलब होता है ए और डी के अंदर बिल ड्रॉ हुआ था, मतलब ए और डी सिर्फ क्रेडिटर डेटर ही नहीं है, इन लोगों के ऊपर बिल भी ड्रॉ हुआ था, यानी ए ने जैसे बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया वैसे ही ए ने डी के ऊपर भी बिल ड्रॉ किया था। अब इस बेसिस पे हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करवाना, तो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत मतलब समझ के तुम लोग को करना है कि ऑन एक्सेप्टेंस बोला है, तो इस बात पे तुम लोग को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग आंसर करें, क्वेश्चन लिख लियो। हाँ मैम। ठीक है, ए बी सी डी, तो इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो हम लोग डेट नहीं देंगे, तो ए पहले बिल्स रिसीवेबल ड्रॉप करता है बी के ऊपर, बिल्स रिसीवेबल टू बी 10,000, और बी जो है वो बिल एक्सेप्ट करता है, तो ए टू बी पी 10,000। उसके बाद
ए क्या करता है, ए जो बिल है वो एंडोर्स कर देता है सी को, जब इन दोनों में बिल ड्रॉ हुआ है तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब ए जो है वो बिल को एंडोर्स कर देता है सी को, तो ये हो जाएगा सी टू बी आर 10,000। तो इससे बी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सी के पास बिल्स आ गया है थ्रू ए, तो बिल्स रिसीवेबल टू ए 10,000। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सी ने क्या किया है, सी ने बिल को डी को दे दिया, तो फिर डी टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। तो इससे बी और ए को कोई भी लेना देना नहीं है। अब क्या होगा, डी फिर से उसी बिल को किसको दे दिया है, ए को, लेकिन इसमें उसका एक्सेप्टेंस सेटलमेंट हो गया, यानी डी के ऊपर ए ने बिल ड्रॉ किया था, तो डी बोलेगा मेरा बीपी कैंसिल हो गया है, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, उसके जगह बिल्स दे दिया है, तो टू बी आर 10,000। और ए के पास फिर से बिल आ गया, तो ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दोनों बारी बिल्स रिसीवेबल लिखना है, ये जो आया ये न्यू और ये जो है ये है ओल्ड, बस यहीं तक होगा। ये देख लो, फिर से समझा देते, पहले ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, बी ने वो एक्सेप्ट किया था, फिर ए ने वो एंडोर्स कर दिया था सी को और सी ने उसे एक्सेप्ट किया था, फिर सी ने उसे एंडोर्स कर दिया था डी को और डी ने उसे एक्सेप्ट करके फिर एंडोर्स कर दिया ए को, ठीक है। तो एंडोर्स कर दिया अगर ए को, तो लेकिन बिल्स के कैंसिलेशन के वजह से, जैसे पहले एक एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था 10,200 का डेप्ट सेटलमेंट करते हुए, तो यहाँ पर डेप्ट तो 10,000 का है, जिसके रिगार्डिंग बिल्स ड्रॉ होके रखा था वो बिल्स को कैंसिल करवा दिया, तो फिर डी का बिल्स पेबल जो है वो कैंसिल हो गया थ्रू बिल्स रिसीवेबल, और ए बोलेगा कि मेरा बिल कैंसिल हो जा रहा है थ्रू डी, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये न्यू बिल एक्सेप्ट कर रहा है और ओल्ड बिल को कैंसिल कर रहा है जो डी के साथ हुआ था, मतलब ओल्ड बिल जो है जिस बिल के वजह से डी से उसे पैसा मिलता वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी पैसा नहीं दे रहा है, उसके बदले बिल दे दे रहा है, और ये बिल का पैसा किससे रिकवर करवाना है, ये बिल का पैसा बी से रिकवर करवाना है, तो जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा तो ट्रांजेक्शन बी और ए के अंदर ही हो जाएगा, तो जब डिस्चार्ज होगा तो फिर ये जो बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ गया है, बी जब पेमेंट करेगा तो ए को उसका पैसा मिल जाएगा, यानी लास्ट में हम लोग बोल सकते हैं बी जब पेमेंट करेगा तो वो कर देगा बीपी टू बैंक, अपना पैसा जो है वो पेमेंट कर देगा, और ए बोल देगा बैंक टू बी आर, ठीक है। ये था मोर देन वन एंडोर्समेंट का एग्जाम्पल, और एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे बस, तो ये हो गया है। हाँ मैम। अच्छा इसके बाद देखो, ए ड्रू ए 3 month बिल फॉर 10,000 अपॉन B, this bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of B to discharge his own
एक्सेप्टेंस. ए बी सी डी चारों के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना है. तो ये क्वेश्चन देखो, ए जो है इसने बिल ड्रॉ किया है बी के ऊपर, और ये बिल ए जो है वो बाद में एंडोर्स किया है किसे, सी को एंडोर्स कर दिया है सी को, और सी जो है इसने एंडोर्स कर दिया डी को. तो पहले वाले क्वेश्चन के तरह यहाँ पर सेम है यहाँ तक. उसके बाद डी हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी, लेकिन डी ने बी को रिटर्न किया है. इस बार जो क्वेश्चन है उसमें ये दिखा रहा है कि बी और डी के अंदर पहले ट्रांजैक्शन हुआ था और बी ने डी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, और बी से अपना जो एक्सेप्टेंस है वो डिस्चार्ज करवा ले रहा है पेमेंट के बदले बिल देके, हिज ऑन एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री होगा? तो तुम लोग लिख लिए होगे, आंसर करें. हाँ मैम. ए बी सी डी, तो ए ने पहले बिल ड्रॉ किया है, तो बी आर टू बी, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है 10,000. बी ने एक्सेप्ट किया है तो ए टू बी पी, ये तो सारा सेम ही होगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा. उसके बाद ए ने क्या किया है, बिल्स को सी को दे दिया, तो सी टू बी आर, तो इससे बी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सी अपना एंट्री पास करवाएगा ए, सॉरी बी आर, बिल्स मिल जाएगा बी आर टू ए, बी आर टू ए 10,000. अब क्या होगा, जैसे ही सी को बिल मिल गया वैसे ही सी ने क्या किया, इसे एंडोर्स कर दिया डी को, तो ये हो जाएगा डी टू बिल्स रिसीवेबल, और डी बिल्स को रिसीव कर लेगा. तो डी बिल्स को रिसीव करेगा तो एंट्री क्या होगा, बी आर टू सी, सी से मिला बिल्स रिसीवेबल, इसमें कुछ नहीं. अब डी जो है वो एंडोर्स कर दे रहा है बी के फेवर में, तो डी का जो है इसका सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बीपी कैंसिल हो जाएगा, बीपी टू बी आर. अब बी का सेटलमेंट होगा, तो बी का जो है, बी का क्या होगा यहाँ पर सेटलमेंट देखो, बी के पास क्या आ जाएगा, बी के पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, लेकिन वो वाला बिल्स रिसीवेबल आएगा जिसका पेबल उसके पास है, तो बी बोलेगा मेरा बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा थ्रू बिल्स रिसीवेबल, बीपी 10,000 कैंसिल हो जाएगा थ्रू बिल्स रिसीव. मतलब जब बी और डी के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ था तो बी ने जरूर ये एंट्री पास करवाया होगा ए के तरह, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डी, तो जैसे ही कैंसिल हो जाएगा वैसे डी टू, मतलब बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए उसके जगह इसका ये बीपी कैंसिल हो जा रहा है थ्रू डी, डी का बिल्स जो है उसके थ्रू से हो जाएगा, क्योंकि बी का जो बीपी था वो अभी बी का बी आर हो चुका है, तो 10,000 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. टू बिल्स रिसीवेबल, ये ओल्ड ओल्ड जो बी और डी के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो जो ओल्ड बिल्स रिसीवेबल है वो कैंसिल हो जाएगा, जो इन लोगों के अंदर हुआ था जिसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया. बी और डी के अंदर ट्रांजेक्शन अगर हुआ है तो बी ने जरूर लिखा होगा बिल्स रिसीवेबल टू डी लिखा होगा, और डी ने लिखा होगा बिल्स बी टू बिल्स पेबल. उसी तरह से अगर डी से पैसा मिल जाता तो कैश टू बी आर होता, उसके जगह कैश के जगह क्या हुआ है, बीपी टू बी आर हुआ है, क्योंकि इसका बिल्स पेबल भी हो गया है कैंसिल. बस अब लास्ट ये कैंसिल इस तरह से हो गया, मतलब पेमेंट अब कोई किसी को करेगा ही नहीं, क्योंकि बी को पेमेंट करना था अल्टीमेटली, बी जो है वो था पेयर, लेकिन बी क्या हुआ डी का साथ उसका जो सेटलमेंट हो गया उस वजह से उसको और किसी को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा. पहले बी को ए को पैसा देना चाहिए था, ठीक है, फिर ए ने इसे एंडोर्स कर दिया तो बी सी को पैसा देने वाला था, फिर बी डी को पैसा देने वाला था और उतना ही पैसा उसको डी से मिलना था, तो फिर वो डी क्या क्या बिल्स उसे एंडोर्स कर दिया, इसका मतलब बी को और किसी को पेमेंट करना नहीं पड़ेगा और सबका सबके साथ जो लाइबिलिटी था वो सेटल हो गया है. तो अगर एंडोर्समेंट रहेगा तो इस तरह से तुम लोग को लैंग्वेज देख के ये लास्ट वाला एंट्री जो है ये वाइटल है, ये समझ के करना है.
किसके साथ किसका सेटलमेंट है और किस तरह से सेटलमेंट हो रहा है और कैश का एंट्री होगा कि नहीं। तो आज हम लोग जो भी पढ़े वो ऑनर्ड बिल के लिए पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसऑनर्ड के लिए पढ़ेंगे कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा, अगर डिसऑनर हो जाता है, और एक होता है म्यूचुअल बिल होता है वो भी पढ़ेंगे। तो क्लास ओवर हो गया है, ठीक है, जो लोग नेक्स्ट क्लास करोगे अगर उन लोग को थोड़ा रेस्ट लेना है तो वो लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये हटा दे। हाँ मैम। अच्छा।